काशी विश्वनाथ का जयपुर की ढूंढाड़ रियासत से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। जयपुर में सिटी पैलेस के कपट द्वारा में बनारस के प्राचीन मानचित्र भी सुरक्षित है। 191 नंबर के नक्शे में काशी के 128 स्थानों के विवरण में आमेर महाराजा मान सिंह के बनाए मान मंदिर, ज्ञानवापी टोडरमल की हवेली काशी विश्वनाथ मंदिर से बताया गया है। ज्ञानवापी की दूरी 175 गज बताई गई है। इसके अलावा एक नक्शे में ज्ञानवापी टोडरमल की हवेली आदि का उल्लेख है। एक मानचित्र में सर्वत्र शिवलिंग के अलावा उसके बीच मंदिरों के रेखा चित्र है। इस नक्शे को देखने से पता लगता है कि काशी में तो सर्वत्र शिवलिंग के रूप में विराजमान भगवान भोले शंकर का ही शासन है। मानसिंह प्रथम ने गंगा किनारे 84 घाटों का मान घाट के अलावा दशमशेव घाट के साथ मान मंदिर बनवाया था, जिसका जहांगीर ने आत्मकथा में उल्लेख किया है। मानसिंह युद्ध अभियान में रोहितासगढ़ गए तब वे बनारस में रुके थे, जहां उनकी छावनी बनी वह स्थान मान गांव के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने सीताराम मंदिर बनवाया जो नौलख कंकड़ की हवेली कहलाता है। बिंदु माधव मंदिर मानसिंह ने बनवाया, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। मानसिंह ने काशी विश्वनाथ का परकोटा बनाकर वहां मौजूद 108 शिवलिंगों की स्थापना की थी। वहीं पर अभी मोदी जी ने काशी कॉरिडोर बनाया। मानसिंह के बेटे जगत सिंह को तुलसीदास जी के पास पढ़ने काशी भेजा था। जहांगीर ने आत्मकथा में लिखा है कि खजाने से मानसिंह ने 1,00,000 रुपए खर्च किए। हिंदुओं की काशी में बड़ी आस्था है। लोगों की धारणा है कि वहां मरने वाले चाहे वह कैसे भी हो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। मैंने एक विश्वसनीय आदमी को इस मंदिर के बारे में जानने के लिए भेजा तो पता चला कि मानसिंह ने इस मंदिर के निर्माण में 1,00,000 रुपया लगाया। फिलहाल वहां इससे कोई बड़ा मंदिर नहीं है। मैंने अपने पिता अकबर से पूछा था कि उन्होंने मानसिंह को काशी में मंदिर बनाने की इजाजत क्यों दी। अकबर का जवाब था, मैं बादशाह हूं, मुझे सबके लिए उदार दृष्टिकोण रखना पड़ता है। जहांगीर के शासन में अब्दुल लतीफ नाम के मुसलमान यात्री ने डायरी में लिखा है, मानसिंह निर्मित मंदिर के स्थापत्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि ऐसी इमारत हिंदू धर्म के बजाय अगर इस्लाम धर्म की उपासना के लिए होती तो बहुत ही अच्छा रहता। काशी में दशामिश्व घाट, पश्चिम में गंगा तट पर मान मंदिर आज भी विराजमान है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने काशी में ज्योतिष जंतर मंतर बनवाया। अश्वमेध यज्ञ का निर्णय काशी की महापंडित सभा ने किया था। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने काशी में संस्कृत विद्या केंद्र अपने खर्चे पर खोला, जिसमें अपने बेटे आमेर नरेश राम सिंह प्रथम को पढ़ाया था। काशी घाट पर समाधि में बैठे रत्नाकर पौंडरिक को सवाई जयसिंह ने गुरु बनाया और उनसे जयपुर की नींव रखवाई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए माधो सिंह द्वितीय ने राजपूताना में सबसे ज्यादा बड़ी रकम 25,00,000 रुपए दिए थे। नागरी प्रचारणी सभा के गठन में जयपुर के चंद्रधर गुलेरी व अजमेर के हीराचंद ओझा की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि काशी से जयपुर का पुराना रिश्ता था। जयपुर की संपत्तियां भी काशी में थी और इनका इंतजाम पूरे जात विभाग करता था।